गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइएगा आप। और देखिए, मैंने आपको ग्रुप पर एक पीडीएफ डाला है, उसको अपने रजिस्टर में आप एक अलग से रजिस्टर बना लीजिएगा। और उस पीडीएफ को आपको पहले चैप्टर को आपको लिखना है। नोट्स डाले मैंने पहले चैप्टर के, तो वो आप लिखेंगे। सभी लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ सर, काली भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? काली भाई सैनी, चलो नाउ स्टार्ट क्लास, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मीनिंग हमने किया, उनमें अंतर हम कर रहे हैं। तो उसमें मुख्य रूप से मैंने आपको जो समानता है, समानताओं की हम बात कर रहे थे, उसको हम देख रहे हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार है, वो एक ही प्रकार का व्यापार है या अलग अलग प्रकार का व्यापार है। यदि दोनों एक ही प्रकार का व्यापार है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार की दशा मानी जाएगी, जैसा कि आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं। लेकिन जेएस रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेएस मिल, ये लोग कहते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक अलग दशा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अलग दशा है, इसलिए दोनों का अलग अलग अध्ययन करना जरूरी है। तो ये जो विवाद का प्रश्न था, इसके लिए हम समानताएं और असमानताएं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो समानताओं के बारे में मैंने विस्तार से आपसे चर्चा पिछली क्लास में की है। उसमें आपको बताया गया था कि विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन दोनों प्रकार के व्यापार में पाया जाता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो। इसके अलावा ऐच्छिक सौदा है, ये दोनों प्रकार का व्यापार ही ऐच्छिक सौदा है। इसके अलावा दोनों प्रकार के व्यापार में वस्तु सेवाओं का विनिमय किया जाता है, ठीक है। और कुछ हमने जो पॉइंट्स लिए थे, वो थे आपके ऐच्छिक सौदा हो गया, दो पक्ष हो गए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी दो पक्ष होते हैं और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी दो पक्ष होते हैं। उद्देश्य इनका लाभ अर्जित करना होता है और राजनीतिक और सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। चर्चा कर चुका हूं, अब हम चर्चा कर रहे हैं, वो करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण कौन से हैं एवं प्रत्यक्ष सिद्धांत की आवश्यकता, या यूं कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय भिन्न विशेषताएं जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से इसको अलग कर। देखिए छात्रों, ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग करती हैं, दोनों में असमानताएं हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यह एक अत्यंत विवाद का विषय रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से भिन्न है। जहां प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कुछ विशेषताएं हैं जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में दिखाई नहीं देती, तो दूसरी ओर ओहलिन और एबलर ये कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों प्रकार के व्यापार के बीच विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। किस किस तरह के व्यापार में विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती? अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये कहता है एहलिन और हैबलर, जो दोनों आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। जबकि एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, ये लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग है और उसको अलग होने की जो विशेषताएं हैं या मान्यताएं,
वो निम्न है, इस प्रकार से है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। परंतु यहां यह तो स्वीकार करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक ऐसे लक्षण हैं जो इसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार से पृथक करते हैं, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत का औचित्य स्वीकार किया गया है। छात्रों, बड़ा क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनता है ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत का औचित्य क्या है। तो उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो और अंतर क्षेत्रीय व्यापार की जो भिन्नताएं हैं या असमानताएं हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भिन्नताएं और असमानताओं से मतलब यहां ये है कि वे घटनाएं या वे बातें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो पाई जाती हैं लेकिन अंतर क्षेत्रीय व्यापार में नहीं पाई जाती, या यूं कह सकते हैं कि वे विशेषताएं, वे घटक जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में पाए जाते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं पाए जाते हैं। तो उन भिन्नताओं को हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भिन्न प्रद जो विशेषताएं हैं वो निम्न है, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग है। देखिए, एक एक विशेषता पर हम चर्चा करेंगे यहां। तो हमारी जो पहली विशेषता है वो है उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव। उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव, ये हमारी पहली विशेषता है छात्रों। उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव। अब देखिए, थोड़ा समझना होगा कि उत्पादन के साधनों में गतिशीलता के आधार पर दोनों बाजारों को हम कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे। तो उत्पादन के साधन समझना है पहले तो आपको कि उत्पादन के साधन कौन से हैं। तो प्रारंभिक कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के मुख्यतः चार साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और साहस। ये चार उत्पादन के साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और साहस। ये चारों उत्पादन के साधन मिलकर उत्पादन कार्य करते हैं। अब दोनों प्रकार के बाजार को उत्पादन के साधन कैसे अलग कर रहे हैं, तो इसमें बिंदु बताया है कि उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव। जो श्रम है, भूमि है, पूंजी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि गमन करती है बिना किसी रुकावट के, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन का साधन गतिशील है, ठीक है। और यदि उत्पादन गतिशील नहीं या प्रवास नहीं कर सकता तो फिर हम कह सकते हैं कि उत्पादन का साधन गतिशील नहीं है। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में एक ही प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाएं होती हैं जिसके कारण उत्पादन का साधन आसानी से गतिशील हो सकता है। किस प्रकार के व्यापार में? आंतरिक व्यापार में या अंतर क्षेत्रीय व्यापार में। जबकि छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक ये दशाएं अलग अलग होती हैं, इसके कारण उत्पादन का साधन गतिशील होता है। जैसे मैं ये कह सकता हूं समझाने के लिए आपको कि कोई व्यक्ति यदि बांदीकुई में काम कर रहा है, अपने श्रम की सेवाएं दे रहा है, तो वो जयपुर जाकर भी काम कर सकता है, उसका गमन हो सकता है, वो प्रवास हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, ना तो भाषा संबंधी रुकावट आएगी, ना उसके सांस्कृतिक परिवेश की रुकावट आएगी, ना बाजार की दशाएं जो नाप तोल है, मजदूरी मापने का तरीका है, या मुद्रा का जो विनिमय का जो निर्धारण का तरीका है, वो कोई भी घटक इसमें रुकावट का काम नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जयपुर काम कर रहा है वो दिल्ली जाकर काम कर सकता है, दिल्ली वाला व्यक्ति बंगलोर जाकर काम कर सकता है, तो इसमें किसी प्रकार की भौगोलिक रुकावटें नहीं है, आर्थिक रुकावटें नहीं है, सामाजिक रुकावटें नहीं है। लेकिन जब एक देश के उत्पादन का साधन जब दूसरे देश में जाता है तो फिर यहां रुकावटें बन जाती हैं। जैसे हम कहें, सबसे पहले भाषा संबंधी रुकावटें, कि जो व्यक्ति अमेरिका जा रहा है अंग्रेजी नहीं जानता तो वो वहां जाकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लैंग्वेज को वहां के व्यक्ति नहीं समझेंगे, तो भाषा संबंधी रुकावट आ जाएगी। मुद्रा के मापने की जो इकाई है, जैसे भारत में मुद्रा रुपए में मापी जा रही है, अमेरिका में डॉलर में मापी जा रही है, तो ये भी एक रुकावट का कारण बन सकता है। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। इसके अलावा उस देश का कल्चर, जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो भी रुकावट का कारण बन सकता है। वहां रहने के तरीके, त्यौहार मनाने के तरीके, खान पान के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके सब अलग अलग हैं और हमारे देश में अलग अलग हैं।
तो इस प्रकार की जो रुकावटें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साधनों को अगतिशील बनाती हैं, जबकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में रुकावटें नहीं होती, इसलिए साधन गतिशील होते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों बाजारों को अलग कर सकते हैं। छात्रों, आपकी जो स्लाइड है उसमें एक जो इसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार से पृथक करता है, उत्पादन के साधनों का विभिन्न राष्ट्रों के मध्य गतिशील न होना, एक देश के भीतर श्रम पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है परंतु विभिन्न देशों में श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। दो देशों में श्रमिकों में गतिशीलता नहीं पाई जाती क्योंकि उनमें रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज, खान पान और भाषा आदि में अंतर रहता है। इसी तरह दो देशों के कानून में अंतर के कारण पूंजी में अगतिशीलता का अभाव रहता है। एक देश में श्रम और पूंजी की गतिशीलता का परिणाम यह होता है कि उत्पादन के साधनों की कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है, जबकि विभिन्न देशों के मध्य साधनों की अगतिशीलता के कारण साधनों की कीमतों में अंतर पाया जाता है। आगे देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि श्रम तथा पूंजी देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील होते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हमारा यहाँ श्रम किसी भी शहर में प्रवास कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। जयपुर का व्यक्ति दिल्ली जा सकता है, दिल्ली का व्यक्ति बंगलोर जा सकता है, महाराष्ट्र जा सकता है। काम करने की पूर्णतया आजादी होती है, वो कहीं भी किसी भी बिना रुकावट के आसानी से किसी भी क्षेत्र में जाके काम कर सकता है, ऐसा क्लासिकल मानते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रम गतिशील नहीं होता, उसमें इस प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, मुद्रा संबंधी रुकावटें, भाषा संबंधी रुकावटें, रहन सहन संबंधी रुकावटें, खान पान संबंधी रुकावटें, जलवायु संबंधी रुकावटें। हम दूसरे देश के जलवायु में जाकर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो वो समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। तो अनेक अवरोधकों जैसे रीति रिवाज, भाषा, जलवायु तथा परिवार से अलग होने का मोह, कुछ लोगों में तो होम सिकनेस होता है, वो अपने घर को छोड़ना ही नहीं चाहते, वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनमें इस तरह की बीमारी होती है। तो जब आप अपने घर को ही नहीं छोड़ सकते तो आप विदेश में कैसे जा पाओगे? तो अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का जो मोह है वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाधा में काम करता है। आदि कारण श्रमिक यह जानते हुए भी कि देश के किसी दूसरे भाग में मजदूरी अधिक है, गतिशील नहीं हो पाता। यद्यपि यह माना जाता है कि दो देशों के बीच साधनों की गतिशीलता की तुलना में देश के भीतर गतिशीलता अधिक है, परंतु दो देशों के बीच श्रम पूर्णतः अगतिशील होता है, यह ठीक नहीं। देखिए, दो तरह के विचार चल रहे हैं साथ साथ, एक तो क्लासिकल विचार चल रहे हैं, एक आधुनिक चल रहे हैं। तो क्लासिकल जो विचार है वो तो कंप्लीट रूप से कह रहे हैं कि एक देश के अंदर तो उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील है, जबकि दो देशों के बीच में उत्पादन के साधन पूर्णतः अगतिशील है। ये क्लासिकल विचार है, जबकि आधुनिक विचार ये कह रहा है कि एक देश के अंदर उत्पादन के साधन सहज और सरल गतिशील हैं, आसानी से गतिशील हो जाते हैं, लेकिन दो देशों के मध्य वो पूर्णतः गतिशील तो नहीं है, आंशिक रूप से गतिशील हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये अनेक प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करके भाषा सीख लेते हैं, वहां के क्लाइमेट में जाकर सेट हो जाते हैं और दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं। तो जैसे जैसे व्यापार का स्वरूप बदल रहा है छात्रों, उसके अनुसार यदि हम ये कहें कि साधन पूर्णतः अगतिशील हैं तो ये गलत होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं, जिसको आधुनिक अर्थशास्त्रियों का समर्थन मिलता है। दूसरे देशों से आए हुए श्रमिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही स्थिति पूंजी का भी है। दो देशों के बीच पूंजी स्थानांतरण तो बहुत प्रचलित है, कुल मिलाकर देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच साधनों की गतिशीलता में अंतर केवल अंश मात्र का है, आधारभूत अंतर नहीं है। तो छात्रों, ये अपना पहला बिंदु था। इस पहले बिंदु में हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्लासिकल विद्वानों की यदि बात मानी जाए तो उनके अनुसार तो
देश के अंदर या अंतर क्षेत्रीय व्यापार में उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्णतः अगतिशील होते हैं। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र के विचारों को माना जाए तो देश के अंदर तो उत्पादन के साधन गतिशील हैं, लेकिन दो देशों के मध्य भी वो आंशिक रूप से गतिशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा बिंदु है इन दोनों में अंतर जो हम करें उसके भेद के आधार पर दूसरे बिंदु की यदि हम बात करें तो दूसरा बिंदु हमारा की जो नीतियां हैं, नीतियां और उनका हस्तक्षेप, ये हमारा दूसरा बिंदु है। राष्ट्रों की जो नीतियां हैं, जो हस्तक्षेप है, वो भी हमें इस व्यापार में देखना है। आ रही है मेरी सर आवाज कट के आ रही है? कट के आ रही है, सही आ रही है सर। किसी किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, जब मेरी आवाज यदि नहीं आए तो आप मुझे थोड़ा सा सूचित कर देना, ठीक है ना? तो देखो अगले बिंदु पर हम बात करते हैं कि भिन्न राष्ट्रीय नीतियां और हस्तक्षेप। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो दो देशों के मध्य होता है, और दो देश अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, उनकी आर्थिक जो नीतियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं और उनकी सरकारों का उसमें हस्तक्षेप होता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में तो एक ही सरकार होती है और पूरे देश में उसी की आर्थिक नीतियां चलती हैं और उसी का हस्तक्षेप होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक नीतियां भी अलग अलग होती हैं क्योंकि वो दो देशों के मध्य होता है और उनमें हस्तक्षेप भी अलग अलग सरकारों का होता है। तो इसलिए छात्रों हम ये कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग है। यदि हम बात मान लें तो इस परिवर्तन देख सकते हैं कि आजकल का जो व्यापार है वो द्विपक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है, और उसमें कुछ देश मिलकर आपस में नीतियां निर्धारित करते हैं। जैसे आसियान संगठन बना हुआ है, उसमें कुछ देशों ने मिलकर संगठन बनाया हुआ है, साप्टा बना हुआ है, नाप्टा बना हुआ है, ठीक है, G20 बना हुआ है, इसके अलावा सार्क बना हुआ है, यूरोपियन संगठन बना हुआ है। तो ये इस प्रकार के समूह बने हैं आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जिनमें एक ही प्रकार की नीति और हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया जाता है। तो हेक्सर-ओलिन की बात भी यहाँ थोड़ी तार्किक सिद्ध होती है कि आज हम ये नहीं कह सकते वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया जुड़ने की कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया एक दूसरे के आर्थिक हितों का संरक्षण कर रही है, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रही है। तो उस स्थिति में यदि हम ये कहें कि देशों की आर्थिक नीतियां अलग अलग हैं या उनका बीच बीच में हस्तक्षेप होता है तो ये फिर स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इस तरीके से अलग तो है लेकिन आंशिक तौर पर अलग है, इसलिए ये जो अंतर है ये भी डिग्री मात्र का अंतर रह जाता है। तो छात्रों देखिएगा इसमें ये बताया गया है कि इसमें देखिए ये बताया गया है कि एक देश में व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और नीति निर्धारण संबंधी कानून तथा नीतियां समान रहती हैं, परंतु विभिन्न देशों के बीच ऐसी व्यापारिक नीतियों एवं कानूनों में काफी अंतर पाया जाता है। इसी तरह देश के आंतरिक व्यापार में सरकार प्राय हस्तक्षेप नहीं करती लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार प्रशुल्क नीति, प्रशुल्क क्या होता है, क्या होता है कृष्णा, ये प्रशुल्क कृष्णा? ये सर क्या होता है प्रशुल्क? आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। वेरी गुड वेरी गुड, ये टैरिफ होता है, टैरिफ, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर टैरिफ है, ये प्रशुल्क बोलते हैं। जैसे स्थानीय सरकारें टैक्स लगाती हैं उसी प्रकार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैरिफ लगता है जिसको प्रशुल्क बोला गया है। कोटा होता है, कोटा क्या होता है शिवानी बताइए बताइए, बोलिए आप बोलिए जो बोल रहे हैं। कृष्णा बोलिए,
वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या स्टॉक? स्टॉक हाँ, कोटा जो होता है वो मात्रा होती है व्यापार की. हम किसी भी देश के साथ व्यापार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, किसी भी देश के साथ व्यापार की मात्रा को हम कम कर सकते हैं. तो ये हस्तक्षेप के तरीके हैं. तो प्रशुल्क के द्वारा, कोटा के द्वारा और विनिमय नियंत्रण, लेन देन हम जो कर रहे हैं किसी देश के साथ, उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं. आपने देखा होगा पिछले एक दो, पाकिस्तान से और भारत से संबंध है वो बिगड़ रहे हैं. इस वजह से हमने क्या किया कि जो पाकिस्तान से और भारत से जो लेन देन किया जाता था उसको हमने नियंत्रित कर दिया कि अब हम पाकिस्तान को कोई सामान नहीं भिजवा रहे हैं और पाकिस्तान से कोई वस्तु हम नहीं मंगवा रहे हैं. तो ये विनिमय को नियंत्रण करने का तरीके होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग बनाते हैं. ठीक है, तो ये सब बिंदु बनते हैं जो हस्तक्षेप करते हैं. प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट की यदि हम बात करें तो प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कहते हैं कि देखिए, फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा है, जो मैं डार्क कर रहा हूं इसको देखिएगा आप, ये फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा है, आंतरिक व्यापार हम लोगों के बीच में है. फ्रेडरिक लिस्ट कह रहा है कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो हमारे बीच में है, मतलब हमारे देश की सीमाओं के अंदर है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच में है, मतलब स्वदेशी और विदेशियों के बीच में है. तो फ्रेडरिक लिस्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अंतर किया है. यहां पर वो कह रहा है कि आंतरिक व्यापार हमारे बीच में, हम ही लोग आपस में करते हैं, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो हमारे और उनके बीच होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग है. ठीक है, ये आपका दूसरा बिंदु था जिसको हमने यहां देखा है. अब इसमें हमारा तीसरा बिंदु बनता है बाजार की पृथकता, सेपरेट मार्केट. छात्रों की जो डोमेस्टिक मार्केट होता है, इस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर नीति नियम कानून जो बनते हैं वो सब, इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं. हमारे बाजार को हमारा उपभोक्ता, हमारा उत्पादक अच्छे तरीके से समझता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो बाजार पृथक पृथक होते हैं. अमेरिका का बाजार अलग प्रकार से है, जापान का बाजार अलग प्रकार से है, चाइना का बाजार अलग प्रकार से है, हमारा बाजार अलग प्रकार से है. अब बाजार की जो दशाएं होती हैं उनमें भिन्नता आ जाती है. हमारी जो मापन की प्रणालियां है वो अलग है, हमारे नापतोल के तरीके अलग हैं, हमारे मुद्रा के विनिमय के लेन देन के जो तरीके हैं वो अलग हैं, और सभी देशों के इस संदर्भ में अलग अलग होते हैं. तो बाजार की पृथकता जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्रीय व्यापार को अलग करती है. आप कि जो हमारे स्थानीय बाजार होते हैं, हमारे क्षेत्रीय बाजार होते हैं, उनमें तो मापन की प्रणालियां ही अलग अलग होती हैं. आपने देखा होगा गांव में जो लोग लेन देन करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, कुछ और बेचते हैं, तो पत्थर के वाट्स होते हैं उनके पास. हमारे पास तो यहाँ बड़े बाजारों में लोहे के वाट होते हैं, बाकी उनके पास पत्थर के वाट होते हैं. अब ये भिन्नता आ गई ना मापन प्रणाली में. तो ऐसे ही जो हमारा बाजार है वो अमेरिकन बाजार से अलग प्रकार से इस चीजों को लेकर चलता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि बाजार की जो पृथकता है वो भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है, अलग अलग करती है. तो इसमें हम कहें कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीसरा सिद्धांत के औचित्य को स्वीकार, बाजारों का पृथक होना देश के विभिन्न बाजारों में रीति रिवाज, भाषा, आदतें, नापतोल तथा रुचियों आदि में अंतर नहीं रहता. हमारे देश का एक ही बाजार है, इसमें भाषा, रुचि, आदत, रीति रिवाज, ठीक है, नापतोल, ये सब एक जैसे होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये सारी दशाएं विद्यमान नहीं रहती हैं, सारी दशाएं अलग अलग रहती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग दशाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार से क्या करती हैं, अलग कर. तो विदेशी बाजार बाजार से पृथक हो जाता है. इस विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक देश में विभिन्न क्षेत्रों में भी अंतर पाए जाते हैं. ठीक है, अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो वो हमारा बनता है अगला बिंदु,
चलन प्रणालियों में अंतर। छात्रों चलन प्रणालियों में भी अंतर होता है, तो चलन प्रणालियों को हम समझ सकते हैं यहां पर कि देखिए ये हमारा चौथा बिंदु बन रहा है, चलन प्रणाली में अंतर। अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चलन प्रणालियों में अंतर होता है। चलन का मतलब यह मुद्रा से है। हमारी इकोनॉमी में अलग प्रकार की मुद्रा चलन में है, जबकि जो अमेरिका है, जापान है, चाइना है या यूरोपियन देश है, उनमें चलन मुद्रा अलग है। तो प्रत्येक देश का जो लेन देन में चलन का हम प्रयोग करते हैं वो अलग अलग होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, दोनों एक ही तरह को लेकर नहीं चल सकते। तो छात्रों यहां अंतर क्षेत्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुख्य अंतर यह है कि एक देश में लेन देन एक ही प्रकार की मुद्रा में किया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न चलन प्रणालियां होती हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विदेशी विनिमय और विनिमय दर निर्धारण का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। उदाहरणार्थ जब राजस्थान और पंजाब में व्यापार होता है तो विनिमय की इकाई रुपए होती है, परंतु जब व्यापार भारत और अमेरिका के बीच हो तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि डॉलर डॉलर और रुपए के बीच विनिमय की दर क्या हो। जैसे कि मैंने अमेरिकन बाजार से एक शर्ट खरीदा, इस चीज को समझना आप, अमेरिकन बाजार से मैंने एक शर्ट खरीदा, अब मुझे उसका भुगतान करना है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं तो मैं भुगतान किस में करूंगा, रुपए में करूंगा। अब अमेरिकन जो लोग हैं वो उस शर्ट के लिए मेरे से रुपए स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे उनको भुगतान किस में देना पड़ेगा, डॉलर में देना पड़ेगा। तो इस बात का निर्धारण कैसे हो कि मैं एक डॉलर के बदले कितना रुपए दूं या एक रुपए के बदले कितने डॉलर दूं। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विनिमय प्रणाली है इसका निर्धारण बाजार में करना बहुत कठिन कार्य है, जबकि स्थानीय बाजार में ये समस्याएं नहीं आती हैं। स्थानीय बाजार में पूरे देश के अंदर एक ही चलन प्रणाली होती है, आप चाहे किसी भी राज्य से वस्तु सेवाएं खरीदें प्रत्येक राज्य में आपको रुपए में ही भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको ध्यान रख व्यापार जो है उसके अंतर। छात्रों अगला हमारा जो बिंदु बनता है वो बनता है विभिन्न राजनीतिक इकाइयां, राजनीतिक इकाई। विभिन्न राजनीतिक इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो उसमें हम पांचवें बिंदु की जो चर्चा कर रहे हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स की हम बात करेंगे। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक देश के भीतर होता है जहां संपूर्ण क्षेत्र एक ही सरकार के अधीन रहता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है दो देशों के बीच होता है जिनकी सरकारें अलग अलग होती हैं। एक देश की सरकार अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में, इसी प्रकार एक ही सरकार होने के कारण एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के शामिल होने के कारण ये सब कानून लागू होते हैं, सभी देशों के कानून लागू होते हैं। तो ये जो विभिन्न राजनीतिक इकाइयां अलग अलग सरकारों का होना ये भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अलग अलग करता है। ठीक है, अगला हमारा जो बिंदु बनता है वो बनता है विभिन्न सामाजिक, भिन्न भिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियां, डिफरेंट सोशल एंड ट्रेड कस्टमर्स हैं ये, इनको हमें पढ़ना है। तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों में कि राजनीतिक इकाइयों में भिन्नता होने के कारण कानून भी अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों के सामाजिक व व्यापारिक रीति रिवाज भी अलग अलग होते हैं। कभी कभी तो ये रीतियां एक दूसरे के प्रतिकूल भी होती हैं, परंतु एक देश में साधारणतः सामाजिक तथा व्यापारिक रीतियां एक जैसी ही रहती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग राजनीतिक जो रीतियां बन रही हैं उसकी वजह से भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग है। अगला बिंदु हमारा बनता है परिवहन की समस्या। अगला जो बिंदु हमारा बनता है वो परिवहन की समस्या बनता है। तो परिवहन की समस्या को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में तो स्थल मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग
से आसानी से परिवहन किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हम जा सकते हैं, लेकिन दो देशों के बीच में स्थल मार्ग परिवहन का इसलिए स्थल मार्ग की जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार को करती है अलग करती है। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या में अंतर रहता है। आंतरिक व्यापार में परिवहन की समस्या कठिन नहीं होती है क्योंकि एक देश के भीतर सरकार द्वारा की जाती है तथा इसमें नहीं होता, परंतु अंतराय जल तथा वायु मार्ग में होता है जिसमें जोखिम अधिक है और लागत ज्यादा उच्च कोटि की है, इसलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। माल के परिवहन में कई प्रकार की राजनीतिक समस्याएं भी आ जाती हैं। एक दूसरे जो देश होते हैं वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं उस पर, ठीक है ना, जहाज को रस्ते में रोक लेते हैं, वायु मार्ग को बाधित करते हैं, इस वजह से हमारा जो व्यापार है वो प्रभावित हो जाता है। इसमें जोखिम और लागत दोनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। माल के परिवहन में कई प्रकार की राजनीतिक समस्याएं भी आती हैं। व्यापार में यदि एक देश दूसरे देश की सीमा का प्रयोग किया जाता है तो उसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। यदि हम भारत से चाइना को माल भेज रहे हैं, चाइना से भारत को माल भेजा जा रहा है, उसका सड़कों का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, दूसरे देशों से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, जबकि स्थानीय बाजार में ऐसा नहीं होता है। स्थानीय बाजार में हम किसी राज्य से कहीं भी जाएं, बिना रोक टोक के हम आसानी से जा सकते हैं, माल को बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है जो कि कृत्रिम है, अतः नेपाल को विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने हेतु भारत से अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो भारत होकर जाएगा, क्योंकि व्यापार की प्रत्येक वस्तु भारत से होकर गुजर सकती है या गुजरती है, ठीक है। तो छात्रों, इस प्रकार का जो अंतर है ये भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार को अलग करता है। और अगला जो हमारा बिंदु बनता है वो बनता है भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो भी दो देशों के व्यापार को अलग करता है। भौगोलिक दूरी का मतलब हम ये यहाँ ये कह सकते हैं कि एक देश के अंदर दो स्थानों के बीच में भौगोलिक दूरी नहीं होती है, जबकि दो देशों के बीच में दो स्थानों के बीच भौगोलिक दूरी पाई जाती है। लेकिन ये तारे विशेष प्रकार का अंतर नहीं है, ये आंशिक अंतर हम कह सकते हैं या आंशिक प्रकार की भिन्नता हम कह सकते हैं, क्योंकि कई बार तो ये दशा विपरीत हो जाती है कि स्थानीय या घरेलू देशों के अंदर भौगोलिक दूरी ज्यादा हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक दूरी कम हो जाती है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु कश्मीर से यदि तमिलनाडु या कन्याकुमारी बिकने जा रही है तो उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। उसके अलावा यदि कोई वस्तु पटना बिहार से नेपाल जा रही है तो उसे दूरी कम तय करनी पड़ेगी, जबकि बिहार से या पटना से वस्तु का नेपाल जाना ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया क्योंकि दो देशों के बीच हो रहा है, और जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु यदि कोई वस्तु जा रही है तो वो आंतरिक व्यापार हो गया, जो स्वदेशी व्यापार है, राष्ट्रीय व्यापार है। तो राष्ट्रीय व्यापार में भौगोलिक दूरी ज्यादा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में, जबकि विद्वान लोग कह रहे हैं भौगोलिक दूरी भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भिन्न बनाती है। लेकिन यहाँ ये माना गया है कि ये जो अंतर है ये आंशिक प्रकार का अंतर है, व्यापक अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार देश के अंदर ही भौगोलिक दूरी ज्यादा हो जाती है। आज राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट का व्यापार किया जाए तो ज्यादा दूर होगा, जबकि राजस्थान का पाकिस्तान के साथ यदि व्यापार किया जाए तो नजदीक होगा। तो भौगोलिक दूरी कहां रही फिर? आज राजस्थान से पाकिस्तान व्यापार करें तो नजदीक होगा, और राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट हम जाएं आसाम वगैरह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये दूरी ज्यादा लंबी होगी। तो ऐसे स्थिति में भौगोलिक दूरी एक वास्तविक अंतर इसमें नहीं बनता है। छात्रों, कुछ अर्थशास्त्री इस आधार पर भी अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद करते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार की दूरी कम होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दूरी अधिक होती है, परंतु दोनों प्रकार के व्यापार में अंतर पाया जाता है, ये तार्किक नहीं है। कम दूरी होने पर भी व्यापार की जो प्रकृति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है। इसके अलावा देखिए, एवं अधिक दूरी व्यापार के अंतर क्षेत्रीय हो
जैसे पंजाब और पाकिस्तान से होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, यद्यपि पंजाब और पाकिस्तान में दूरी अपेक्षाकृत कम है, जबकि पंजाब और आसाम में जो व्यापार होगा दूरी अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार ही कहलाए। तो छात्रों, ये कुछ बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग है। इसका पीडीएफ मैं आपको डाल चुका हूं आपके ग्रुप पर, आप वहां से इन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लें और उसको पीडीएफ में डालकर ही मुझे आप चेक करवाएं। आप 3 दिन के बाद उस काम को अपनी कॉपी में करके आप ग्रुप में डालेंगे, या जो ऐप है उसमें असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट में भी आप लोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे इसके कुछ बिंदु और रह रहे हैं अभी, वो मैं आपसे अगली क्लास में चर्चा करूंगा। तब तक आप इन बिंदुओं को पढ़िएगा, समझिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे समस्या का समाधान कर लें। थैंक यू सर। कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बोलिए। आप